हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट कंप्लीट कराया था जिसमें भी 50 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 50 क्वेश्चंस और देता हूँ। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो कि नहीं इसमें से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो 100 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराए, 50 पहले पार्ट में और 50 इस पार्ट में, बस आप इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इतने काफ़ी मेहनत करने के एक लाइक तो आप दे ही सकते हो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो रोज़ाना अपलोड कराई जाती है। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके मन में चल रहा होगा, इसका PDF, तो PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ्तार में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ और बहुत ही कम समय में कराऊंगा। एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी मंथली और वीकली करंट अफेयर्स में कर चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा राफेल नडाल, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जून 2019 में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2019 में, ये हुआ था जापान ओसाका शहर में, जापान के ओसाका शहर में हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर 2020 के अगर पूछ ले कि 2020 में कहाँ पे होगा, तो ये सऊदी अरबिया में होगा, और 2022 में जो होने वाला है वो भारत में होने वाला है। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखें। 2018 में कहाँ पे हुआ था, तो 2018 में हुआ था अर्जेंटीना में, इस चीज़ को भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में मालदीव के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से किसे सम्मानित किया गया। तो रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि ओरछा के विरासती शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, ओरछा कहाँ स्थित है, ऐसा बताना है आपको, ओरछा जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में जयपुर शहर को भी यूनेस्को में शामिल किया गया, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अंग्रेजी कथा लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। इसको आप कह सकते हैं 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये अमिताभ घोष को मिला है, और ये पहला बार हुआ है किसी अंग्रेजी लेखक को ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ द्वारा 2019 का डेनिकाय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्रीदेवी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन है। ये पुस्तक है श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक है सत्यार्थ नायक। और यहाँ पे आप जो कृष्णा त्रिलोकी देख रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूँ AR रहमान की पुस्तक नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ठीक है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम इन्होंने लिखा है, कृष्णा त्रिलोकी ने। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सत्यार्थ नायक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक यानी कि WB के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये अंशुला कांत को नियुक्त किया गया, और ये पहले जो कि SBI की MD और CEO थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तक वार ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1932-1960 के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, देविका सेट्टी, ठीक है फ्रेंड्स, देविका सेट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और इसका जो थीम था 2019 का, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। भारत में योगा दिवस जो होता है आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तक द लीडरशिप के लेखक कौन है। तो द लीडरशिप पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रमोद शर्मा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके मन में ये तो नहीं चल रहा है कि क्या यार इस वीडियो को देखने से अच्छा होता कि मैं इस वीडियो के बदले में कहीं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता, तो बस मैं आपका ये समस्या भी दूर कर ही देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है osjbuddy.com, ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको हमेशा याद रखें। मैं हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इस वीडियो के नीचे भी मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे इस वीडियो पे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी जो कि मैंने अपलोड
की है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन जो भी आप इस वीडियो को देख रहे थे तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा गया लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स 2019 फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स इन हिंदी। सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट मैंने कर रखा है, आप वहाँ पे चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि उस पोस्ट को आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहला ये आपको ऊपर में दिखेगा इंटरफेस, उसके बाद देखिए आप नीचे जस्ट रिसेंट पोस्ट पे, उसके नीचे जस्ट रिसेंट पोस्ट है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जस्ट ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही थंबनेल है और मैंने आपको सेम टू सेम जो है आप जो भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं। देखिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का पूरे सकल खिताब जीता, मतलब कि सारा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप वहाँ पे चाहे वीडियो देखो या फिर आप इसको यहाँ पे पढ़ो, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपकी मर्जी, या फिर वीडियो देखो या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट आकर पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी इस वेबसाइट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है, 24 जुलाई 2018 को किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया गया। तो ग्रीन महानदी मिशन स्टार्ट किया गया उड़ीसा के सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, 24 जुलाई 2018 को किस राज्य की सरकार ने किसानों की आय बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना लॉन्च किया। तो सोलर योजना लॉन्च किया गया ये दिल्ली की सरकार के द्वारा, यानी कि जो दिल्ली के किसान होंगे उनके खेतों में सोलर पैनल लगाने की घोषणा की गई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2018 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो शीर्ष स्थान मिला है केरल को, और अगर आखिरी स्थान पूछे लास्ट में कौन है, तो लास्ट में बिहार है। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कवर करने और आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो क्योंकि आप लोग लेंदी वाली वीडियो को देखना पसंद नहीं करते इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके। और अगर आप जल्दी जल्दी नहीं देखना चाहते हैं और आराम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन यानी कि 2020 में इसका आयोजन 5 से 8 फरवरी को कहाँ पे होगा। तो इसका आयोजन होगा लखनऊ में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। माई लाइफ माई मिशन की आत्मकथा किसकी है, तो बाबा रामदेव की। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि माई लाइफ माई मिशन किसके द्वारा मिलकर के लिखी गई है, तो उदय महारूकर के द्वारा ये मिलकर के लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था। तो 2019 का थीम था बीट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, बीट एयर पॉल्यूशन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निम्न में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी की थी। तो मेज़बानी की है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रांस, और विजेता कौन रहा, तो यूएसए यहाँ पे विजेता रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट वन क्या है कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। ये पूरा बुक का नाम है क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आशीष रे। ठीक है, आशीष रे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2019 को एमनेस्टी इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है सॉरी ब्रांड एम्बेसडर की बात नहीं की जा रही है, इंटरनेशनल का एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस पुरस्कार। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जून 2019 को एमनेस्टी इंटरनेशनल का एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग कौन है, तो ये 16 वर्षीय स्वीडन की छात्रा है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इनको दिसंबर यानी कि जस्ट हाल ही में 11 दिसंबर को इनको जस्ट मिला था क्या टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया। तो इसको याद रखिएगा आपको, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है कि अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से किस भारतीय को अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स, तो दलवीर सिंह सुहाग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाल ही में किस शहर का नाम बदल करके अटल नगर रखा गया। अटल नगर रखा गया फ्रेंड्स कि नया रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, नया रायपुर छत्तीसगढ़ जो है इसका नाम बदल करके अटल नगर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को एक और चीज़ मनाया जाता है जो कि वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि राष्ट्रीय, अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वो सभी को पता है 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ किया गया, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश अमरावती। एक चीज़ और फ्रेंड्स कि हाल ही में एक न्यूज़ बन करके आई है कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी हो चुकी है अमरावती बन चुकी है, क्योंकि इसका मैप भी अलग तैयार हो चुका है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि कौन सा राज्य बायोफ्यूल नीति 2018 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो ये बन गया है राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में एक रेस मॉडल को भी स्टार्ट किया था जो कि हायर एजुकेशन के लिए था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जून 2019 को किसे पहले जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिमी कार्टर को। ऑप्शन बी राइट होगा, जिमी कार्टर। नेक्स्ट वन देखिए क्या फ्रेंड्स की पुस्तक महाराणा प्रताप अजय योद्धा के लेखक कौन है? अजय योद्धा के लेखक यानी कि महाराणा प्रताप अजय योद्धा के लेखक है रीमा हुजा, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है जो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2019 का जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, इस दिवस पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से नई दिल्ली में, वहाँ से इन्होंने एक मोमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था फिट इंडिया मोमेंट। इस चीज़ को भी याद रखें। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, 1 जून 2019 को किसे नाइट ऑफ ऑर्डर द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमिला पॉल। ठीक है, प्रमिला पॉल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कोई पदक विजेता होगा तो उनको सरकारी नौकरियों में 5% एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में 26 नवंबर को कौन सा संविधान दिवस मनाया गया? तो ये देखिए फ्रेंड, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस या फिर आप कह सकते हैं कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये 2019 में 70वां कानून दिवस था। ठीक है, 26 नवंबर को एक चीज़ और मनाया जाता है जो कि राष्ट्रीय मिल्क डे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर मिल्क वर्ल्ड मिल्क डे बारे में पूछ ले तो वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया? सी शटल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संगाई महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर में। एक चीज़ और आप हम ध्यान रखिए कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री इन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल फगडाबा की योजना स्टार्ट किया था और ये योजना क्या था, स्कूल फगडाबा की जो योजना था इसका मकसद था कि जो सरकारी स्कूल है उनमें शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया था, स्कूल फगडाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में आयोजित डेविस कप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेविस कप का खिताब जीता है राफेल नडाल। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट होगा, राफेल नडाल ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया गया क्लाइमेट इमरजेंसी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्या है कि फ्रेंड्स कि हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक का विमोचन किया गया साइमन टॉफिल के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ये किया गया असम के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये 14 नवंबर बाल दिवस के जयंती पे, बाल दिवस के अवसर पे किया गया था जो कि चाचा नेहरू का जयंती होता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इन्होंने शपथ ग्रहण किए 47वें, इनसे पहले कौन थे, रंजन गोगोई जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, अब ये बन गए हैं शरद अरविंद बोबड़े जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश बने। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ मंथली और वीकली करंट अफेयर्स के थ्रू, तो आई होप कि आप लोगों को सभी को पता होगा, मैं इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया डेविड एटनबरो। इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए क्योंकि ये पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया था 2018 वाला,
तो इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पेमा खांडू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अरुण भूमि। ऑप्शन सी राइट होगा, अरुण भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको मान के चलिए आने वाले एग्जाम्स में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2020 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो को, ठीक है। और 2019 में कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा, वो मुख्य अतिथि के तौर पे थे। हाल ही में किसे मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज रूपन, ठीक है, पृथ्वीराज रूपन करेक्ट आंसर होगा। और नीचे कमेंट करके बताएं कि मॉरिशस की राजधानी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है, तो बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है, लियोनेल मेसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और बता दूँ, ये पुरुषों के लिए इनको मिला है, और अगर महिला में पूछ ले कि महिला खिलाड़ी किसको मिला है, तो महिला खिलाड़ी मिली है मिगन रेपिनो, ठीक है, मिगन रेपिनो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिगन रेपिनो जो कि ये अमेरिका की फुटबॉलर है, इनको मिला है महिला में बैलन डी ओर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, तो नाटो का शिखर सम्मेलन 2019 में किया गया ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया, इट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया जयपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट का हाल ही में सीईओ किसे बनाया गया, अल्फाबेट का सीईओ बने हैं सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सुंदर पिचाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय पोषण एंथम का शुभारंभ किया, उसे किस गीतकार द्वारा लिखा गया, तो ये गीतकार की बात की जा रही है, गीतकार लिखा गया प्रसून जोशी के द्वारा। अगर पूछता कि किसके द्वारा गाया गया है, ठीक है, गाया किसके द्वारा गया, तो ये शंकर महादेवन के द्वारा गाया गया, ठीक है, लिखा इनके द्वारा प्रसून जोशी, लेकिन गाया शंकर महादेवन ने, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया, तो देखिए फ्रेंड्स, स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया गया, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के सरकार के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा के सरकार। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, तो जो स्कूली छात्र होंगे उनको वीडियो और जो ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बन जाता है, यानी कि मधु ऐप आपको याद रखना है उड़ीसा के सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे वो कवर कर चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा, अगर आपको लगता है कि हाँ यह क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। वीडियो पसंद ना भी आए तो वीडियो को डिसलाइक करके नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ आपको फ्री में मिल सकता है। और अगर आप इसका पढ़ना चाहते हैं, एक लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।